एक स्टॉक है उसका नाम है गेम स्टॉप जी, मतलब ये खेल बंद करो। लेकिन उसी स्टॉक में इतना बड़ा खेल चल रहा है कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। होता तब तो बात ही अलग थी जी। $3 का मतलब कितना हुआ, ₹200 वाला शेयर अगर $243 हो जाए, $243 रुपए में गिनो भाई जल्दी फटाफट, इतनी दिन में 14-15 हजार, 200 वाला 15 हजार, और कितने टाइम में ये हो गया 15-20 दिनों में। पूरी डिटेल बताओ फिर, और इतनी बढ़िया रिसर्च की आपने, 15-20 दिनों में ₹200 वाला शेयर ₹15,000, ये है रिसर्च। वरुण क्या हुआ, क्या ये क्या कैसे क्या हुआ? ये है कि बेसिकली एक ये है सोशल मीडिया की वेबसाइट है रेडिट करके, और उसमें एक फोरम है ना, वो फोरम का नाम है, कौन सी वेबसाइट में, रेडिट, रेडिट ठीक है ना, उसमें एक फोरम है वॉल स्ट्रीट बेट्स करके, ओके। तो उस फोरम में करीब 27 लाख मेंबर्स है, 27 लाख, ओके ठीक है। इनका काम एक ही है कि शॉर्ट्स जो बने होते हैं उनको स्क्वीज करना, यानी कि किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन ली है किसी फंड ने तो उसकी विपरीत पोजीशन ले लो और बाय करो स्टॉक। कितने आशु जी हैं अमेरिका में उसमें नजर रखते हैं, ओके वो तो पता नहीं अनिल जी, लेकिन हाँ उनका काम यही है। तो वो क्या करते हैं कि जहां पे देखते हैं कि काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशन किसी फंड हाउस ने ली है, तो उसके अगेंस्ट वो उनको शॉर्ट स्क्वीज करते हैं और वहां पे खरीदारी करना चालू करते हैं। अब 27 लाख अगर मेंबर्स है किसी फोरम में और सबके साथ एक साथ उस स्टॉक में खरीदारी करना चालू करें, खरीद ले तो डेफिनेटली, तो आप सोचिए कितने हो जाएंगे करोड़ों में शायद। तो इन्होंने वही करना शुरू किया, और इस जो गेम स्टॉप है इसमें जो इन्होंने देखा कि कुछ फंड मैनेजर्स ने, कुछ फंड्स ने, कुछ हेज फंड्स ने वहां पे शॉर्ट पोजीशन ली थी, तो इन्होंने उसको स्क्वीज करना शुरू कर दिया और खरीदारी करना शुरू कर दी, और इसके चलते स्टॉक में लगातार रैली देखने मिली है। केवल कल ही 50% के आसपास की तेजी इसमें स्टॉक में देखने मिली, और सिर्फ यही नहीं है, कितने बार तो करीब कल ही करीब 5 बार इसमें ट्रेडिंग रोकी गई, और सोमवार को 7 बार इस काउंटर में ट्रेडिंग रोकी गई थी। 15 दिनों में स्टॉक है ना 7.5 गुना के आसपास हो चुका है, उसके पिछले कुछ दिनों पहले से ही ये रैली जो है चालू हो गई, जो आपने कहा था वो $3 के आसपास था, उसके कुछ दिनों पहले ये $3 के आसपास था, और अब $209 के आसपास रह गया है। तो 243 वाला 209 है, हाँ 209 के आसपास, वहां से थोड़ा नीचे है, क्योंकि कल ये आफ्टर मार्केट भी करीब 93% चला था, वो इलन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया था कि इसको देखो कि क्या हो रहा है गेम स्टॉप में, अच्छा, उसी में गेम हो गया। हाँ, उसके बाद और बड़ा गेम हो गया, तो पहले से गेम चल रहा था और उसके बाद ये गेम और हो गया, इसके वजह से फंड मैनेजर्स को काफी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये एफएनओ में मतलब वहाँ पर ऑप्शंस है, होना तो चाहिए, वो कॉल ऑप्शंस की ट्रेडिंग हुई है सर। अच्छा, कॉल ऑप्शन, अच्छा, पैसे भी पूरे नहीं देने, खाली कॉल ऑप्शन लेकर बैठ गया। हाँ, तो ऐसा है, तो इसमें काफी करीब शॉर्ट सेलर्स का स्टॉक में करीब $600 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, और सिर्फ कल के सेशन में शॉर्ट सेलर्स का करीब $88 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। यूएस का जो हेज फंड है मेलविन कैपिटल, इसको करीब $200 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, और वॉल्यूम देखिए सिर्फ कल के ट्रेडिंग सेशन में $2000 करोड़ के इसमें वॉल्यूम से, यानी किसी टेस्ला या किसी बड़े स्टॉक से भी ज्यादा। अच्छा, इतने वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम टेस्ला, एप्पल, फेसबुक, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसके थे कल। खेलो अमेरिका खेलो वो तो हो ही रहा है, और एक गजब है भाई। और ये पहले बार नहीं किया इन्होंने, इससे पहले ब्लैकबेरी में भी किया था। अच्छा। ब्लैकबेरी 185% चला था, और एक्सप्रेस इंस करके है वो 3.5 गुना बढ़ चुका था। जिसने पहचाना वहाँ पे आशु सर को ये तो अनिल जी पता नहीं, कोई देख रहा होगा जिसने पहचाना है। अरे कुणाल जी, आप तो विदेशों में पढ़े रहते थे, वहीं पढ़े वड़ी करके आए, इतनी बढ़िया स्टॉक वहां पर है, सारे मिलके चढ़ा रहे, आप कहाँ वो ऐसे सुस्त वाले और साल में 2-4 दिन चलने वाले बड़े एमएनसी स्टॉक लेके बैठे, मतलब हिलते ही नहीं है। ये देखो गेम स्टॉक अनिल जी, देखिए जबरदस्त कहानी है ये, और अनिल जी देखिए इसमें दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो अगर देखिए रिटेल इन्वेस्टर संगठित हो जाए अनिल जी, हाँ, तो वो किसी भी हेज फंड को पछाड़ सकते हैं अनिल जी, ये इससे प्रूव हुआ है। और दूसरी बात अनिल जी, ये जो मार्केट वाइड लिमिट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहां, देखिए अनिल जी वहां नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि जितने टोटल शेयर्स हैं इस कंपनी के, टोटल 6 करोड़ शेयर्स हैं और 7 करोड़ शेयर्स के शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो अनिल जी इसमें देखिए प्रमोटर के भी शेयर होंगे, इंस्टीट्यूशन के भी होंगे, तो उससे कई गुना ज्यादा 140% जो टोटल शेयर्स हैं उससे ज्यादा के शॉर्ट बने हुए हैं, तो जो शॉर्ट सेलर हैं वो पूरी तरह ट्रैप्ड हैं। हमारे यहां ये अनिल जी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये मार्केट वाइड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, बैन में चले जाते हैं शेयर्स, नए शॉर्ट बनाने नहीं पर देते। ये अगर सोचिए ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कुणाल जी, वहां पर भी डिमेट का कॉन्सेप्ट है। पहले हमारे यहाँ जब पेपर वाली ट्रेडिंग होती है, शेयर सर्टिफिकेट लोग छाप छाप कर उतार देते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है अमेरिका में।
नहीं अनिल जी, ये सब कुछ तो ऑप्शंस में हुआ है अनिल जी, सारा खेल ऑप्शंस का है अनिल जी, पूरा खेल। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे यहाँ इससे भी ज्यादा बेहतर है, उन्हें पता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगा के रखो ताकि फालतू में अनाप शनाप पोजीशन ना बने। तो ये आशु जी, हाँ लेकिन इससे एक चीज आशु जी, हाँ आशु जी से भी तो पूछना जरूरी, आशु जी जैसे आपकी नजर हमेशा रहती ना लोगों का फंसे, लोगों का फंसे, अब आप ध्यान रखना। और ये कुणाल जी पूरी तरह से यूनियन बनाने की जगह, इससे रिटेल इन्वेस्टर की ताकत पता चलते, इनके इस सेंटेंस में मुझे ना वो नेतागिरी की बू आ रही है, ठीक है। तो ये अब नजर डालेंगे कि मतलब अगर लोगों का फंसे तो शॉर्ट का फंसे, वो भी नजर रखेंगे आपके ऊपर। देखिए अनिल जी, एक चीज ये नेतागिरी की सिर्फ नहीं आ रही है, थोड़ी सी ना वो वेंजेंस वाली भी इसमें आ रही है हल्की सी, तो इट इज नॉट जस्ट नेतागिरी। पर अनिल जी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो वहां पे हुआ है जी। तो अनिल जी ये इसका रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है कि किसको लॉसेस हुए हैं, कोई हेज फंड डूब ना जाए, और उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे क्या आ सकता है। तो अनिल जी अगर मंदी ढूंढनी है तो ये न्यूज मतलब मंदी स्क्वीज होने वाली जिस एक्सटेंट की है, ये मंदी की एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में बना सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल आप। आशु जी तो मतलब 7.5 गुना उछाल में भी मंदी ढूंढ लेंगे सर, यही उन्होंने किया है। नहीं आशु जी के यहाँ पे एक बड़ा फायदा ना, यहाँ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में है। हाँ, कोई खरीद के भी कितना खरीद लेगा, कितना खरीद लेगा? आगे तो कहीं कहीं तो ब्रेक लगी गई, बट एनीवे इंटरेस्टिंग चीज थी, तो हमने कहा आपको बताया जाए। देखिए क्या कुछ हो रहा है, गेम स्टॉप नाम, गेम स्टॉप है और चल रहा है गेम, पूरा गजब का गेम है, खतरनाक। चलिए तो ये सब कुछ अमेरिका में है।